कैसे हो आप सर? ऋषि बेटा भावे, गुड मॉर्निंग। एयरफोन लगा लो बेटा। अगर पॉसिबल हो सभी बच्चे कैमरे के सामने आओ, मुझे दिखाई देना चाहिए सबका फेस, ठीक है? सबका फेस दिखाई देना चाहिए बेटा। आवाज आ रही है सभी के पास? 1.1 खत्म हो गया था हमारा बेटा कल, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे कोमा वाले अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। सभी बच्चों ने कर लिया क्या? कोमा लगा दिया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। काफी बच्चों ने तो वीडियो में पहले कमेंट कर दिया था इसमें कहां कहां कोमा लगे। ऋषि बेटा आपने किया था? लास्ट क्वेश्चन कर लिया क्या? नहीं। चलो मैं इधर करवा दो क्वेश्चन करवा। हमारे पास थे इंसर्ट कोमा, ये कल का बेटे 1.1 का इंसर्ट कोमा, एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्वेश्चन था ना फर्स्ट हमारे पास था बेटे, इसमें 7892109 2। तो बेटे इसमें 3-3 पे कॉमा लगाते हैं उधर से। फर्स्ट वाला ग्रुप जो होता है हमारा वंस का होता है, सेकंड ग्रुप 1000 का होता है, और थर्ड ग्रुप बेटा मिलियन का होता है। इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो मिलियन में हमारे पास है 78, तो मैंने लिखा 78 मिलियन। थाउजेंड में हमारे पास है 920, तो मैंने लिखा 920,000। और उससे आगे बचे सिर्फ 92, तो मैंने लिखा 92। ये हमारा नाम हो गया, ये कोमा भी लगा दिया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 पे कोमा लगते हैं और राइट साइड से लगाना शुरू करते हैं, जो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, कोमा लगाने की जरूरत आएगी तो हम राइट साइड से करेंगे। अब बताओ कितने बच्चों समझ में आया? सब करो जल्दी से। ओके ऋषि को समझ में आ गया, खुशी बेटा आपको समझ में आया? खुशी आपको समझ में आया बेटा? आपको समझ में आएंगे? चलो ओके डन। तो ये क्वेश्चन देखा, इसके बाद वाले आप लोगों को खुद को करने थे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दो, मेरे से क्वेश्चन करवाओ, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट था वो टाइप कर दो, नंबर किसका नेम आपको जानना है। ऋषि आपको कोई प्रॉब्लम है तो टाइप कर सकते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1.2 की तरफ चलते हैं। ये नंबर दिए हमारे पास 1,73,80,245 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है बेटा? एक गोडाउन है, गोडाउन मतलब एक कमरा है बहुत बड़ा, उसके अंदर सभी जानते हैं व्हीट
गेहूं भरा हुआ है, कितना गेहूं बेटे 1,73,50,000 sorry 80,245 क्विंटल्स में हमारे पास गेहूं है उसमें बेटा। आउट ऑफ दिस स्टॉक 2756744 क्विंटल्स ऑफ व्हीट वाज सेंट टू हरियाणा एंड सम ऑफ पंजाब, हाउ मच बैलेंस स्टॉक इज नाउ। बेटा दो जगह उसमें से कुछ गेहूं की बोरियां भेज दी, ठीक है, अब बताओ कितना स्टॉक वहां पे बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास स्टॉक था उसमें से जितना हरियाणा और जितना पंजाब को हमने भेजा है वो उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आएगा सभी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लिखोगे टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑफ व्हीट कितना है बेटे, वो है बेटे 1,73,80,245 क्विंटल्स, ठीक, क्विंटल्स क्विंटल नहीं क्विंटल्स। वीट सेंड टू हरियाणा कितना है बेटे 27,56,744 क्विंटल, एंड वीट सेंड टू पंजाब वो कितना है बेटे 48,63,108 क्विंटल्स। क्लियर है, अब हमें चेक करना है रिमेनिंग वीट इन स्टॉक, स्टॉक में हमारे पास अब कितना गेहूं बचा हुआ है। देखो बेटा इस गेहूं में से ये हरियाणा को बेच दिया या भेज दिया और इतना जो गेहूं है वो पंजाब के लिए भेज दिया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास कितना स्टॉक लेफ्ट है, रिमेन है, तो आप लिखोगे रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, जो टोटल स्टॉक था 1,73,80,245 उसमें से माइनस करोगे ये वाला और ये वाला भी 2756744 वाला भी और 4863108 वाला, ठीक है, दोनों ही माइनस करेंगे। तो पहले मैं इसमें से ये माइनस कर लेता हूं, फिर जो बचेगा उसमें से वो माइनस कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। पहले इसमें से ये माइनस कर देते हैं, फिर जो बचेगा उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, पीछे इधर करके देख लेते हैं 1,73,80,245 और नीचे क्या है बेटे, ये वाला माइनस कर रहे हैं पहले 4,4,7,6,5,7,2 5 में से 4 माइनस किया 1, 4 में से 4 गया 0, 2 में से नीचे गया तो 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ पे 0 1 के लिए 10 10 को 1 इसको दे देता 9 बचे, 9 में 6 गया तो 3, यहाँ पे 7 बचे 7 में से 5 गया तो 2, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 16 बचे 16 में से 2 गया तो 14, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,46 23,501 इनका आंसर आ गया। उसमें से माइनस करना है कितना बेटे 4,863,108 क्लियर है। देखिए मैंने इस नंबर में से ये माइनस कर दी थी, देखिए माइनस कर दी थी, ये बचा हमारे पास, तो मैंने इन दोनों की जगह माइनस करके ये लिख दिया, ठीक है, जो हमारे पास बचा था। अब मैं इसमें से ये वाली नंबर माइनस कर रहा हूं, ठीक है, करते माइनस 1,462,305,01 उसमें से माइनस करना है 8,013
11 से 8 गया 3 बचा बटे 9 में 0 गया तो 9 बचा बटे 4 में 7 गया तो 3 बचा 3 में 3 गया 0 12 में 6 गया 6 15 में 8 गया तो 7 13 में 4 गया तो 9 तो हमारा आंसर बचेगा मेरे बच्चे 97,60,393 क्विंटल्स दैट इज आवर आंसर सभी बच्चों क्लियर है एक बार थम्स अप कर दो बेटे जल्दी से गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबाश बेटे नीति को समझ में आ गया नव्या को आ गया ऋषि को भी आ गया खुशी को भी आ गया विनोद आपको समझ में नहीं आया बेटा विनोद आपको समझ में आया कि ओके आपको समझ आया बेटा ठीक है बेटा आप इसको नोट कर लो फिर आगे के लिए क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन जल्दी से एक मिनट मिलेगा आपको जल्दी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दीजिए बेटा A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at a counter on the first, second, and third and final day was respective. Find out the total number of tickets sold on all 4 days. सभी को सम करना है कितने बच्चे कर लेंगे? Second और question में एक book exhibition चला. Book exhibition मतलब मेला चला. उसमें book खरीदो बेचो. ठीक है? बुक को सेल कर सकते हो पर परचेज कर सकते हो तो उसमें लोग मेला देखने के लिए आए तो उस मेले में टिकट जो बिके ना वो 4 डेज तक चला मेला 4 डेज में डेली टिकट बिकता एंट्री के लिए अब वो टिकट फर्स्ट वाले डे पर कितने बिके बेटे 1094 टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितने हैं बेटे 1094 टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे कितने बेटे 1812 और थर्ड डे में टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 और बेटे लास्ट डे टिकट सोल्ड ऑन लास्ट डे कितना था बेटा 3751 देयरफॉर टोटल सोल्ड टिकट्स वो होंगे बेटे इन सभी का सम कर दो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 कितने बच्चे कर लेंगे बेटा हम सब कर दो जल्दी से नीरज बेटा नो का क्या मतलब है नो क्यों कह रहे हैं आप नो नीरज यहां पर है जल्दी तो अपना आंसर है बेटा सब ठीक है
सर फाइव में आएगा अगली कैसे प्लस वन में आएगा सर टू फोर फाइव सिक्स तो इधर ही होगी सही से सम करोगे प्रिंस बेटा स्क्रीन क्लियर है आप एक बार चेक करो ना अपना कनेक्शन बेटा फाइव तो नहीं आएगी किसी पर भी देखो फोर भी से कुछ समझ में नहीं आ क्या इधर भी से ऐसे ही गलत हो रहे समझ में तो क्या देखो फोर टू सिक्स और वन सेवन फिर नाइन वन टेन और फाइव फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी के जीरो टू के टू और एट टेन टेन और सेवन सेवनटीन फिर वन कैरी और वन ईयर टू थ्री और फोर कितना हो गया क्या सभी का यही आंसर आ रहा है ऋषि बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट करें जरा कमेंट करके बताओ जरा प्रिंस का स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा खुशी बेटा कमेंट करो अपना आंसर सही है नाम तो सही है सेवन सेवन टू ये करेक्ट आंसर है बेटा वेरी गुड कितने टिकट विकेट लिया एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपको इजीली क्वेश्चन को रीड करने पर ही समझ में आ जाएगा इसमें प्लस करना है माइनस करना है किसको किसमें से क्या करना सब समझ में आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन देखिए शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना सचिन तेंदुलकर विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही शेखर भी एक प्लेयर है क्रिकेट का ठीक है क्रिकेट खेलता है ठीक है बेटा ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच उसने बहुत ही बड़ा स्कोर बना लिया है टेस्ट के मैच में कितने का 6980 रन का अब तक वो जो खेला है ना उसने टोटल टेस्ट मैचेस में कितने रन बना लिए बेटा 6980 रन बना लिए उसने He wish to complete 10,000 runs. और वो क्या चाहता है कि उसके रन कितने हो जाएं? 10,000 हो जाएं. तो बताओ अब उसको कितने और रन बनाने हैं? मान लो आपके पास 7 रुपीज हैं और आप चाहते हैं आपके पास 10 रुपीज हो जाएं. तो उसके लिए आपको कितने रुपए और चाहिए? 3 चाहिए ना बेटा? ऐसे ही शेखर भी चाहता है कि उसके 8,100 रन हैं. सॉरी 6,800 के आसपास रन है और वो चाहता है कि उसके 10,000 रन हो जाए तो उसके लिए उसको कितने रन और बनाने पड़ेंगे अगर ये हमें चेक करना है तो हम 10,000 में से उसके जितने रन बन चुके हैं वो माइनस करते हैं ठीक है बात समझ में आएगा सेम है टोटल नीडेड स्कोर कितना बेटे वो 10,000 रन चाहिए उसका ना अवेलेबल स्कोर कितना है उसका जो खिलाड़ी कितने रन है उसके 6,800 सॉरी 900 6,980 रन है ठीक है देयरफोर required runs to achieve total score वो हम बेटे 10,000 में से माइनस कर देंगे हम 6,980 10 में 0 गया तो 0 10 में से 2 गया तो 8 फिर 9 में से 9 गया तो 0 और फिर बेटे 9 में से 6 गया तो
3050 में टू बचे हैं, 10 जीरो में से जीरो जीरो 10 से ऐड किया तो 2 बचे बेटा, फिर इधर 9 बचे हमारे, 9 में से 9 गए तो 0, फिर 9 में से 6 गए तो 3, अब 3 कितना बचेगा, 3020 रन्स उसको और चाहिए 10000 करने के लिए, ठीक है, क्लियर बच्चों, अगर यस तो कमेंट में थम्स अप करके बताओ जल्दी, फिर से क्वेश्चन को समझ लो, उसे कितना स्कोर बनाना है 10000, कितना बना चुका है 6980, अब कितने और चाहिए उसके लिए 10000 में से इसको माइनस किया तो कितने और चाहिए बेटा उसको 3020, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल मतलब जीतने वाला, ठीक है, रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल गॉट 348,700 वोट्स, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, दोनों के वोट हमें दिए हैं और ये बताना है कि वो जीतने वाला कैंडिडेट वो कितने ज्यादा वोटों से जीता, मान लो बेटा आप लोगों में कंपटीशन है किसके पास ज्यादा पैसे हैं, मान लो नीति के पास 100 रुपीज है और मेरे पास 80 रुपीज है, तो कौन जीता बेटा, नीति जीत गई, तो कितने ज्यादा उसके, तो जिसके ज्यादा नंबर है उसमें से छोटी वाली नंबर माइनस कर देंगे, तो इसके 100 रुपीज में से मेरे 80 रुपीज माइनस कर देंगे तो 20 हमारा आंसर होगा ना, ऐसा ही है बेटा, टू कैंडिडेट है वो इलेक्शन में है, अब उनमें से एक कैंडिडेट के वोट तो ज्यादा आते हैं और सेकंड वाले कैंडिडेट के वोट कम आते हैं तो फर्स्ट वाला जीत जाता है, अब ये बताना है कि फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट था उसके कितने ज्यादा वोट थे, कितने ज्यादा वोट उसने अचीव किए थे, तो उसके लिए आप ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है बेटा, टोटल वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट के टोटल वोट कितने बटे टोटल वोट्स ऑफ नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट कितने बटे 348,700 वोट्स, अब क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे हम इनका, देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, मार्जिन का मतलब कि बचत या फिर बढ़ोतरी, तो कितनी बढ़ोतरी है बेटे उसके लिए आप क्या करोगे 577,500 में से माइनस कर देंगे 348,700 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा जल्दी से बताओ बेटा 008 16 में से 8 गए तो 8 बचा बेटे, फिर 6 में 4 गए तो 2 बचे और 5 में 3 गए तो 2 बचा 2,28,800 वोट्स, दैट इज योर आंसर,
जल्दी करो बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ, भाई से पूछ लेता हूँ। जल्दी नोट कर लो, बात समझ में आई? हम सब कर दो जल्दी से। बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं? पहले हमारे पास 33 बच्चे थे, फिर 38, 26 आए। बेटा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो वो भी आप जरूर बताएंगे। वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, आपको क्लास मिस नहीं करना है। क्लियर है? बेटा क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर नहीं दिख रहा है? देखते हैं बेटा, अगर इधर से कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट कर देंगे। क्या सभी बच्चों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो सही नहीं आ रहा है? ऋषि बेटा आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो सामने दिख रहा? प्रॉब्लम आ रहा है? वीडियो साफ नहीं दिख रहा? चेक करो वीडियो को, क्या प्रॉब्लम? उनको बोलो ना, टेक्निकल टेक्नीशियन। एक बच्चे को हो रहा है, सारे को हो रहा है? सबको हो रहा है बेटा, सबको हो रहा है। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। सबको वीडियो में इश्यू हो रहा है तो थम्स अप करो फटाक से। सभी बच्चे थम्स अप दे रहे हैं। एक ही तो दिखाया। कहाँ? दो दिखाया। अरे सर इधर आके कमेंट करके बताओ बेटा, जिसको हो रहा है थम्स अप करो कमेंट में जल्दी। अभी अभी सही हुआ क्या? अभी सही हो गया वीडियो? ओके जल्दी कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे, इसमें हमारे पास 14 क्वेश्चन है, हमने 4 ही किए अभी तक। जल्दी करेंगे। मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दे लीजिए। जिसकी ज्यादा वोट है उसमें से माइनस कर रहे हैं, कम वोट वाले को, ठीक है? ये फोर्थ क्वेश्चन था, अब हम फिफ्थ करने वाले हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ऑफ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड बुक्स वर्थ ऑफ 4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वाज सेल मोर देन 2 वीक्स टुगेदर इन विच वीक वाज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितने बच्चे कर लेंगे? सेल इन फर्स्ट वीक कितना है बेटे?
2,85,891 books. Sell in second week. कितना है बच्चों? 4 lakh. सबको पता है कौन से वीक में ज्यादा बुक्स सेल हुई है? सेकंड वीक में. ये सेकंड वीक में तो ज्यादा बुक सेल की है उसने. अब कितनी ज्यादा की है उसके लिए आप क्या करोगे? ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे. क्लियर है ना? तो आप ये हो गया हमें इन सेकंड वीक. नंबर ऑफ सोल्ड बुक्स इज मोर इज ग्रेटर लिख दो, क्योंकि उसमें ग्रेटर वर्ड यूज किया है. ठीक, ग्रेटर मतलब बड़ी है या फिर ज्यादा है. सेकेंड वीक में जो सोल्ड यानी बेची गई बुक्स में जो बुक्स हैं वो क्या है? ज्यादा. सेकेंड वीक में जो बुक बेची गई थी वो क्या है बेटे? ज्यादा है. और इज इक्वल टू निकालोगे आप 4,678 में से माइनस कर दोगे 2,85,891. 17 में से 98, फिर 15 में से 8 गया 7, फिर 9 में से 5 गया तो 4, फिर 9 में से 8 गया 1 और फिर 3 में से 2 गया 1. बुक्स, दैट इज योर आंसर. ठीक है बेटा, कितनी ज्यादा थी? 1,14,787. सॉरी बेटा, यहाँ पे सही तो है. 8 में से 1 माइनस करोगे 7. सर आपने ऊपर क्वेश्चन है ना वो गलत लिख दिया. ऊपर वाला 4,678 के ऊपर आना चाहिए 768. ओके, ये बात है क्या? यहाँ पे 7 लिखना था, ये लिखना. ओके, सॉरी फॉर दैट. 16 में से 9 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा 8. अब आगे ठीक है. ठीक है, ठीक है बेटा. कितने बच्चों क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं वीडियो के. वैसे टाइम कम ही बचा है हमारे पास, बट हम कर लेंगे एडिशन. सिक्स क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर रिटर्न विद 6 डिजिट. ये हमारे पास डिजिट दिए हैं 5, 6, 2, 7, 4, 3. 6, 2, 7, 4, 3 गिवन डिजिट्स. ये हमें दिए हुए डिजिट्स हैं. ठीक है, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ. ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था. ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़ी 7, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा. और लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर भी बोल सकते हो आप. लीस्ट नंबर क्या बनेंगे बेटे? 2, 3, 4, 6, 7. अब इनका डिफरेंस निकालना है. उसमें 7, 6, 4, 3, 2 में से माइनस कर देंगे 2, 3, 4, 6, 7. 5 बचेगा बेटा, यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5. दैट इज द आंसर. ठीक है बेटा, ये 5 डिजिट है हमारे पास, 6, 2, 7, 4, 3. इनसे दो नंबर बनाने हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट. तो मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, और लीस्ट नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख दिया. ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी. अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना, तो बड़ी वाली नंबर में से छोटे वाले नंबर माइनस कर देंगे. तो बड़ी वाली नंबर ये रही, छोटी वाली ये रही, इसको माइनस कर रहे तो हमारे पास बन रहा है 51,965. इससे बेटा समझ में आया?
ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं आज की इतना काफी है। आपको वीडियो में मिल जाएगी, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इश्यू है क्या, मौसम खराब है ना बेटा, मौसम खराब है इस वजह से इश्यू आ रहा है, तो बाकी वैसे ठीक चल रहा है। ओके ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं। सेकंड और नाम कर लो, इसके बाद में अब क्लास खत्म होना।